इंडिया गठबंधन की बैठक आज है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता इस में मौजूद रहेंगे, तो वहीं सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी। तो एक और जहां कांग्रेस की बैठक कल है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक आज होनी है, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा ले रही है, क्योंकि गठबंधन का वो हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक को आज रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। जरा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज जी, के गठबंधन की यह बैठक है, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, तो ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो भी आजकल झारखंड में ही है, और ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात फिलहाल इसको लेकर के चर्चा। देखिए बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है, चाहे इंडिया हो चाहे एनडी हो, बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नामों का यहाँ पर चयन किया जा रहे हैं। इसी दरमियान आज मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी होंगे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे, इसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो वाम दल है, वाम दल के बड़े नेता वो भी दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ी बैठक है, और बड़ी बैठक में इसमें ये तय होगी कि सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, या वाम दल कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम के खाते में कितनी सीटें जानी चाहिए। तो इस तरह की बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएंगे। लेकिन सूत्र यह बता रही कि कांग्रेस 30 से 35 सीटों को लेकर वो अड़ी हुई है, राजद 12 से 15 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, इसके अलावा वाम दल को भी बड़ी सीट ज्यादा सीटें चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातों को खुलकर पार्टी के नेता रखेंगे, उस पर चर्चा होगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें झारखंड में दिए जाएं। हालांकि देखिए बड़े भाई के तौर पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जिस तरह से ये बैठकें होगी, तो एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री को लेकर हेमंत सोरेन। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक के दौरान जो भी बातें होगी तो वो तय करेंगे, हेमंत सोरेन ही करेंगे, क्योंकि सबसे फिलहाल सत्ता में शामिल सबसे बड़ी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें गड़बड़ा सकती है, क्योंकि हर दल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीटें चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में ये बैठक अहम हो जाती है, और क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है उसके बाद हम आपसे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता इस में मौजूद रहेंगे, तो वहीं सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी। तो एक और जहां कांग्रेस की बैठक कल है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक आज होनी है, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा ले रही, क्योंकि गठबंधन का वो हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक को आज रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। जरा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज जी, के गठबंधन की यह बैठक है, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, तो ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो भी आजकल झारखंड में ही है, और ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात फिलहाल इसको लेकर के चर्चा। देखिए बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है, चाहे इंडिया हो चाहे एनडी हो, बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नामों का यहाँ पर चयन किया जा रहे हैं। इसी दरमियान आज मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी होंगे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे, इसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो वाम दल है, वाम दल के बड़े नेता वो भी दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ी बैठक है, और बड़ी बैठक में इसमें ये तय होगी कि सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, या वाम दल कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम के खाते में कितनी सीटें जानी चाहिए। तो इस तरह की बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएंगे। लेकिन सूत्र यह बता रही कि कांग्रेस 30 से 35 सीटों को लेकर वो अड़ी हुई है, राजद 12 से 15 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, इसके अलावा वाम दल को भी बड़ी सीट ज्यादा सीटें चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातों को खुलकर पार्टी के नेता रखेंगे, उस पर चर्चा होगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें झारखंड में दिए जाएं। हालांकि देखिए बड़े भाई के तौर पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जिस तरह से ये बैठकें होगी, तो एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री को लेकर हेमंत सोरेन। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक के दौरान जो भी बातें होगी तो वो तय करेंगे, हेमंत सोरेन ही करेंगे, क्योंकि सबसे फिलहाल सत्ता में शामिल सबसे बड़ी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें गड़बड़ा सकती है, क्योंकि हर दल को
हर दल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीटें चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में ये बैठक अहम हो जाती है और क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आता है उसके बाद हम आपसे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता इस में मौजूद रहेंगे, तो वहीं सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी। तो एक और जहां कांग्रेस की बैठक कल है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक आज होनी है जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा ले रही, क्योंकि गठबंधन का वो हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक को आज रखा गया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे, सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज जी, के गठबंधन की यह बैठक है, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो भी आजकल झारखंड में ही है, और ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात फिलहाल इसको लेकर के चर्चा। देखिए बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी है, चाहे इंडिया हो चाहे एनडी हो, बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है, सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नामों का यहाँ पर चयन किया जा रहे हैं। इसी दरमियान आज मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी होंगे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे, इसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो वाम दल है, वाम दल के बड़े नेता वो भी दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ी बैठक है, और बड़ी बैठक में इसमें ये तय होगी कि सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, या वाम दल कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम के खाते में कितनी सीटें जानी चाहिए। तो इस तरह की बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किए जाएंगे। लेकिन सूत्र यह बताई कि कांग्रेस 30 से 35 सीटों को लेकर वो अड़ी हुई है, राजद 12 से 15 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, इसके अलावा वाम दल को भी बड़ी सीट ज्यादा सीटें चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातों को खुलकर पार्टी के नेता रखेंगे, उस पर चर्चा होगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें झारखंड में दिए जाएं। हालांकि देखिए, बड़े भाई के तौर पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जिस तरह से ये बैठकें होगी, तो एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री को लेकर हेमंत सोरेन। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक के दौरान जो भी बातें होगी तो वो तय करेंगे, हेमंत सोरेन ही करेंगे, क्योंकि सबसे फिलहाल सत्ता में शामिल सबसे बड़ी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें गड़बड़ा सकती है, क्योंकि हर दल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीटें चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में ये बैठक अहम हो जाती है और क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आता है उसके बाद हम आपसे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता इस में मौजूद रहेंगे, तो वहीं सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी। तो एक और जहां कांग्रेस की बैठक कल है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक आज होनी है जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा ले रही, क्योंकि गठबंधन का वो हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक को आज रखा गया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे, सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज जी, के गठबंधन की यह बैठक है, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो भी आजकल झारखंड में ही है, और ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात फिलहाल इसको लेकर के चर्चा। देखिए बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी है, चाहे इंडिया हो चाहे एनडी हो, बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है, सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नामों का यहाँ पर चयन किया जा रहे हैं। इसी दरमियान आज मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी होंगे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे, इसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो वाम दल है, वाम दल के बड़े नेता वो भी दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ी बैठक है, और बड़ी बैठक में इसमें ये तय होगी कि सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, या वाम दल कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम के खाते में कितनी सीटें जानी चाहिए। तो इस तरह की बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किए जाएंगे। लेकिन सूत्र यह बताई कि कांग्रेस 30 से 35 सीटों को लेकर वो अड़ी हुई है, राजद 12 से 15 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, इसके अलावा वाम दल को भी बड़ी सीट ज्यादा सीटें चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातों को खुलकर पार्टी के नेता रखेंगे, उस पर चर्चा होगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें
झारखंड में दिए जाएं। हालांकि देखिए बड़े भाई के तौर पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जिस तरह से ये बैठकें होगी तो एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री को लेकर हेमंत सोरेन। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक के दौरान जो भी बातें होगी तो वो तय करेंगे, हेमंत सोरेन ही करेंगे, क्योंकि सबसे फिलहाल सत्ता में शामिल सबसे बड़ी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें गड़बड़ा सकती है, क्योंकि हर दल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीटें चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में ये बैठक अहम हो जाती है, और क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है उसके बाद हम आपसे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।